नॉलेज इंस्पिरेशन। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नया इंग्लिश स्पेशल वर्ड लेकर आया हूं, जिसको आप लोग अपनी राइटिंग और स्पीकिंग में कहीं भी लिख सकते हैं और आपके अच्छे मार्क्स एग्जाम में आ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके गाइस, तो आज का जो वर्ड है वो है हमारे पास स्टॉइक। गाइस, स्टॉइक का मतलब है कि ऐसा शख्स जिस जो अपने फीलिंग्स को, अपने कंप्लेंट्स को दूसरे शख्स के साथ जाहिर ना करता हो। या सिंपली आप इसके दो मीनिंग लिए जा सकते हैं, या ऐसा शख्स जो बहादुर और सब्र वाला हो, या फिर ऐसा शख्स जिसके अंदर फीलिंग्स कम हो, या पत्थर दिल आप इसको कह सकते हैं। तो गाइस, स्टॉइक को याद रखें स्टोन के साथ, यानी जिस तरह पत्थर उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है, इसी तरह एक स्टोइकल मैन के अंदर भी फीलिंग्स कम होती है। वो अपनी मुश्किलात को या खुशी को, किसी भी चीज़ को छुपाता है, उसको जाहिर नहीं करता है। गाइस, यहाँ पे एक और बात आपको बताता चलूँ कि स्टोइकल का जो एंटोनियम है वो है जी लिबर्टीन, यानी ऐसा शख्स जो क्या कहता है, अपने इमोशंस को नहीं छुपाता हो, जो मज़े करता हो लाइफ में, आज़ाद ख्याल शख्स। ठीक है जी, तो इसको भी याद रखें। और गाइस, आपको बताऊँ कि ये स्टॉइक की जो फिलॉसफी है वो एक मशहूर फिलॉसफर जीनो ने दी थी सबसे पहली बार। तो वो कहता है कि हमें अपनी लाइफ में मुश्किलात का सामना करना चाहिए, जज्बात को अपने काबू में रखना चाहिए। गाइस, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है ग्राफ, सामने एक तस्वीर है जी, इसमें देखें तराजू के दो साइड्स हैं, एक इमोशंस हैं, एक साइड पर रीजन्स हैं। तो स्टॉइक के लोग कहते हैं कि भाई रीज़न पर हमें फोकस करना चाहिए, ये साइड उनके ये साइड बारी होता है उनके यहाँ। और जबकि लिबर्टीन्स वाले कहते हैं, या लिबर्टिज्म के जो मानने वाले, वो कहते हैं कि इमोशंस, अपने जज्बात को खुलकर इजहार करें, एंजॉय करें, मजे करें। ओके गाइस, अब हम देखेंगे कि स्टोइक को किस तरह आप इंग्लिश सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। गाइस, पहले भी बताया था कि स्टोइकल होना एक अच्छी बात भी, एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कहते हैं, किसी की डेथ हो गई है, वहां पर आप इमोशनल नहीं होते हैं, तो आप कहेंगे ही इज़ ए स्टोइक मैन बिकॉज ही इज़ नॉट क्राइंग एट द फ्यूनरल ऑफ हिज फादर। ओके, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसी माँ हैं जो कुछ हैप्पीनेस शो नहीं कर रही अपनी बच्ची की शादी पर, वो माँ भी एक स्ट्राइकल। या फिर आप इस तरह भी कह सकते हो कि आई न्यू शी मस्ट बी इन अ पेन डिस्पाइट हर स्टॉइक एटीट्यूड। या फिर आप ये कह सकते हो कि लोकल पीपल वर स्ट्राइकल अबाउट द डैमेज कॉज बाई द हरिकेन, यानी वो लोग बिल्कुल बेफिक्र थे या उन पर कोई फीलिंग्स नहीं थी कि डैमेज के हवाले से। गाइस, आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि स्ट्राइकल होना अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, लेकिन वो एक सिचुएशन के हिसाब से आप उसको मैनेज करना होता है। अपनी रियल लाइफ में स्ट्राइकल कभी कभार होना भी पड़ता है और नहीं भी होना पड़ता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।